हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खेल पॉइंट पर। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 29वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का आमना सामना देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक हुए मुकाबले में अधिकतर रोमांचक मैच देखने को मिले हैं, जिसके चलते इस मुकाबले का इंतजार फैंस काफी बेसब्री के साथ भी कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, जिसमें उन्हें अपने पहले तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार दो मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए शानदार तरीके से वापसी की। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पहले दो मैचों में जीत हासिल की थी, लेकिन अगले दोनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि पिछले मैच में सीएसके ने इस सीजन में अपनी तीसरी जीत हासिल की। और अब इन दोनों ही टीमों का मुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए आज हम इस वीडियो में आपको ड्रीम 11 टीम के बारे में बताएंगे, जिसमें आप कौन से ऐसे 11 खिलाड़ी हैं जिनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और ग्रैंड लीग का प्राइस जीत सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स की। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले अहम मुकाबले के लिए आप अपनी ड्रीम 11 टीम में विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन को चुन सकते हैं, जिनके बल्ले से आरसीबी के खिलाफ मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी देखने को मिली थी। वहीं इसके बाद बल्लेबाज के रूप में आप ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, शिवम दुबे और तिलक वर्मा को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। इन सभी का फॉर्म इस सीजन अभी तक काफी बेहतरीन देखने को मिला है। रोहित शर्मा भले ही बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने जिस तरह से टीम को पिछले कुछ मुकाबलों में शुरुआत दी है, उससे साफ लगता है कि उनका फॉर्म काफी शानदार है और जल्द ही रोहित के बल्ले से एक बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। तो वहीं सूर्यकुमार यादव ने आरसीबी के खिलाफ जिस तरह के विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की, उसके बाद उन्हें आप अपनी ड्रीम 11 टीम से बाहर नहीं रख सकते। वहीं शिवम दुबे, तिलक वर्मा को लेकर बात की जाए तो दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीम के लिए मिडिल ओवर्स में काफी बेहतरीन खेल दिखाया है। इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर आप अपनी इस टीम में रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या को शामिल कर सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी बल्ले और गेंद से आपको अधिक पॉइंट दिला सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गेंदबाजी की। आप अपनी इस ड्रीम 11 टीम में तीन प्रमुख गेंदबाजों के रूप में जसप्रीत बुमराह, मुस्तफिजुर रहमान और महेश तीक्ष्णा को शामिल कर सकते हैं। तीनों ही खिलाड़ियों का इस सीजन में गेंद से काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। बुमराह जहां अभी तक 10 विकेट हासिल कर चुके हैं, तो वहीं मुस्तफिजुर रहमान भी 9 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कप्तान और उपकप्तान की। आप अपनी इस ड्रीम 11 टीम में कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या को चुन सकते हैं, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ मैच में भले ही एक ओवर गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी में सभी को उनके पुराने रूप की झलक जरूर दिखाई दी, जिसके बाद उनका भी आत्मविश्वास काफी बड़ा हुआ होगा। ऐसे में सीएसके के खिलाफ मैच में हार्दिक अपने टीम के लिए मैच विनिंग प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं उप कप्तान के रूप में आप रोहित शर्मा को चुन सकते हैं, जिनका चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अब तक वानखेड़े स्टेडियम में 10 मैचेस में 37.89 का औसत देखने को मिला है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अक्सर रोहित शर्मा अच्छी पारी खेलते हैं। तो दोस्तों, ये थी MI वर्सेस CSK के बीच होने वाले मुकाबले की ड्रीम 11 टीम। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और इसके साथ ही IPL 2024 और ड्रीम 11 से जुड़ी ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए खेल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।